तो भाई चलिए आप इसको जो है सो खोल के देखते हैं। और गाइस, क्या आपने कभी सोचा कि हमारी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के अंदर में क्या रहता है? स्टीयरिंग व्हील के अंदर में मतलब कि भाई इस कंसोल के अंदर में क्या रहता है? तो आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि भाई इस स्टीयरिंग व्हील के अंदर में क्या रहता है, और आप भी सोचने में हैरान होंगे या फिर आप कभी खोल के देखेंगे तो आपको पता होगा। लेकिन भाई जो नहीं खोल के देखे वो तो ये वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि भाई आज हम इसको खोलने वाले हैं। और इसको जब खोलेंगे ना तो आपको एक बात का और पता चल जाएगा कि भाई साहब इसके अंदर में रहता क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो है सो ट्राई कर सकते हैं कि आपको जो है सो नया स्टीयरिंग व्हील कैसे लगाना है, वो भी आप इससे पता कर सकते हैं। लेकिन भाई अपने से कभी मत लगाना, क्योंकि व्हील अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा और उसके बाद फिर आपको जो है सो ड्राइविंग में दिक्कत आ सकता है, तो अपने से मत खोलना। और ये जो है सो इस साइड हम आ गए हैं आप, ओके। और यहाँ से आप स्टीयरिंग व्हील चेकआउट कर सकते हो कि भाई अच्छी स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है। और इसको जो है सो आप जो है सो हम खोलने वाले हैं, तो भाई इंतजार किस बात का, चलिए खोलते हैं। इसको खोलने से पहले ना आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यदि आपकी गाड़ी में एयर बैग है तो भाई साहब बहुत ही दिक्कत हो सकता है, ठीक है, वायरिंग शॉर्ट आउट हो सकता है। तो यदि आपकी गाड़ी में एयर बैग है तो आप जो है सो ये अपने साथ मत ही करिएगा, और घर पर तो भाई प्लीज ट्राई मत करिएगा यदि आपकी गाड़ी में एयर बैग है तो। तो मेरी गाड़ी में क्योंकि एयर बैग नहीं है तो मैं जो है इसको खोल सकता हूँ। और यदि आपके पास भी स्कॉर्पियो S2 से लेकर के S3 तक अगर है, या फिर पुरानी वाली में SLE सब है, तो आप जो है इसको खोल सकते हैं। तो भाई चलिए आप इसको जो है खोल के देखते हैं। और देखिए तो ये जो है सो हल्का सा ही कप लगा हुआ था, यहाँ पे आपको तीन जो है सो मतलब कि क्या बताएं यार, ये बिल्डिंग टाइप का देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये जो है सो इसको प्रेस करता है और उसके बाद फिर हॉर्न बजता है। ये तीनों जो है सो हॉर्न का तार है, और यहाँ पे अंदर में भी देख सकते हैं कि हल्का फल्का रस्टिंग है क्या, नहीं रस्टिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है सो मेटल का है भाई, मेटल का, ठीक है। और ये साइड में जो है सो प्लास्टिक है, तो इसको दाबने के बाद ना हॉर्न बजता है, ठीक है। कोई भी एक को हम दाब देंगे तो हॉर्न बज जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको दाबते हैं, देखिए हॉर्न बजा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रू आपको देखने को मिल जाता है। इसी को खोलने के बाद जो है ना सो पूरा का पूरा ये जो स्टीयरिंग व्हील है सो खुल जाएगा। और इसका यदि बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक लेदर चढ़ाया हुआ रहता है, जिसके ऊपर की महिंद्रा विंद्रा लिखा हुआ रहता है, मतलब लोगो रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको यदि खोलना है तो इसको हम यहाँ से इसे डाल देंगे, मतलब कि ये अंदर चल जाता है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो है सो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इस छोटे छोटे पिन से जो है अटैच रहता है। बचपन में क्या हुआ था कि हम जो है इसको खोल दिए थे, उसके बाद हमसे नहीं लगा था, तो फिर से हम वो गलती नहीं करने वाले हैं, मतलब कि हम ये जो लेदर है ना सो उसको खोल दिए थे, ठीक है। तो आप भी मत करिएगा, ओके। और यदि आपका लेदर उधर ये जो है सो खराब उराब हो गया है तो आप जो है सो इसको खोल सकते हैं, हटा सकते हैं, नया वाला लगवा सकते हैं। लेकिन नया वाला आई थिंक ये पूरा ही मिलता है, ठीक है। तो आप जो है सो इसको कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन में, तो मतलब कि गाड़ी वाड़ी का पार्ट्स बोर्डों से ही मिलता है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं यार, फिर बता देते हैं। मतलब बहुत बार लिख देता है भाई कमेंट में कि भाई तुम प्रमोशन कर रहे हो, नहीं भाई बोर्डों से ही मिलता है यार, मतलब ऑनलाइन में अभी एक ही तो आया जो कि गाड़ी का सामान आपको देता है, ठीक है। तो इसको लगाना फिर सिंपल एकदम स्टेप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो दोनों मतलब तीनों वहाँ पे है, और ये जो है सो गया। और इसको जो है सो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे करके रखना है और ऐसे प्रेस कर देना है, ओके, इधर से नहीं लगा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सो अच्छा से लग गया है, और बहुत ही ज्यादा फिर से जैसा लग रहा था वैसा लगने लग गया है। तो भाई क्या आपको पता था इसके बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि पता था तो बताना भाई कि आपने कैसे खोला था। यदि आपके पास कोई दूसरी गाड़ी है तो आप भी बता सकते हैं कि भाई आपको इसको खोलने में कितना मेहनत लगा था। और हाँ, मैंने जो है सो अपनी दूसरी गाड़ियों में भी ट्राई किया था, लेकिन भाई ये नहीं खुला था, क्योंकि उसमें अलग मैकेनिज्म होगा। लेकिन इसका क्या है कि मैंने बचपन में खोल के देखा हुआ था, ठीक है ना, मतलब ये होता है ना बच्चा में आदमी रहता है एकदम मतलब कि कुछ ना कुछ करने का, तोड़ फोड़ करने का, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको खोल के देखे थे तो खुल गया था, तो इसीलिए हमको पता था, तो सोचिए आपको भी बता दें। और इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई यदि हम इस स्टीयरिंग व्हील को खोलना चाहते हैं तो कैसे खोल सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो गाड़ियों से रिलेटेड कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।